आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.1 के पहले प्रश्न के लास्ट 4 पार्ट करें। इसमें पूछा क्या था, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखिए, जैसे हम पहली वीडियो में कर चुके हैं द्विघात समीकरण, इनको हम सॉल्व करेंगे। 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x2। इससे मल्टीप्लाई करोगे -3 से तो माइनस के 6x। -1 को x से करोगे तो माइनस का x। -1 को -3 से गुणा करोगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो गया। आगे इधर भी ऐसे सोल्व करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया x2, x को -1 से -x, 5 को x से प्लस का 5x, 5 को -1 से -5। अब इनको इधर ले आइए, क्या बन गया, 2x2। पहले इसमें अगर मैं सोल्व करूँ तो ये क्या बन रहा मेरा, माइनस का 7x प्लस का 3। ये x2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का x2, माइनस एक्स प्लस का पाँच एक्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 4x। इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस एक्स, और ये -5 इधर जाके प्लस का 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। 2x2 माइनस x2 क्या बचा, प्लस का x2। माइनस के साथ माइनस के 4, माइनस के कितने हो जाएंगे, 11x। प्लस का 3 प्लस का 5 8 बराबर है 0। तो ये हमें क्या दिखाई दे रही है, द्विघात समीकरण है। हाँ, द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट में इसको हम सोल्व करेंगे, ये तो पहले ही सोल्व है, x2 3x प्लस 1, लेकिन इधर a माइनस बी का स्क्वायर हमने सोल्व करना है। a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 2 2 जा 4, माइनस 2ab, 2 गुणा में x गुणा में माइनस 2, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4x। अब एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस का 4, और ये इधर जाके प्लस का 4x। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। 3x प्लस 4x 7x, 1 प्लस का है माइनस का 4 है, तो क्या बचेगा, -3 बराबर 0। अब ये क्या बन गई, रैखिक समीकरण है हमारे पास, रैखिक, जिसकी घात 1 है, तो ये हमारे पास नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, 7th पार्ट में x प्लस 2 का क्यूब, हमारे पास a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब, ये होता है हमारे पास a की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3a2b प्लस का 3ab2। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो a प्लस बी का क्यूब अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a2, ए स्क्वेयर मीन्स x2 इंटू बी, 3a2b प्लस 3a इंटू ए इंटू बी स्क्वेयर मतलब 2 का स्क्वेयर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a2b प्लस 3ab2। नेक्स्ट, 2x को x2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x3, 2x को -1 से करोगे तो माइनस का 2x। ये क्या बन गया हमारे पास, x3 प्लस का 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, 2 3 6x2। अब ये 2 का स्क्वायर कितना बनता है, 4, 4 3 12x। ये इधर ले आइए आप, माइनस का 2x3, और ये इधर जाके प्लस का 2x। अब यहाँ से इधर ले गए, इधर क्या बच गया, 0। पहले x3 की वैल्यू लिखते हैं, ये प्लस का x3 है, यहाँ पे माइनस का x3, तो क्या बचेगा, माइनस x3, 6x2, x2 की और कोई टर्म नहीं है, तो प्लस का 6x2, x की 12x प्लस 2x कितना हो गया, 14x हो गया। यहाँ पे प्लस का 8 और कोई टर्म नहीं है,
प्लस का 8 बराबर 0। अब यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर घात कितनी होगी हमारे पास, 3 हो गई, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये तो कौन सी है, त्रिघाती समीकरण है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट में लास्ट पार्ट करते हैं, क्या होगा, ये तो एज इट इज पहले सोल्व करके लिखा हुआ इन्होंने, 4x² - x + 1, यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब था, यहाँ पे a माइनस बी का क्यूब, तो a माइनस बी की जो आइडेंटिटी है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab² ये आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे, a की 3 मीन्स x का क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स 2 का क्यूब माइनस 3a² और इंटू बी मतलब गुणा में 2 हो गया प्लस 3a मतलब x इंटू बी स्क्वेयर मतलब 2 का स्क्वेयर, ये एज इट इज माइनस x प्लस 1, ये क्या बन गया x क्यूब माइनस का 2 का क्यूब कितना बन गया 8 हो गया, 2 3 6 माइनस का 6x², 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4 4 3 12x। देखिए ये भी x क्यूब है, ये भी x क्यूब है, साइन भी सेम है दोनों के, तो ये तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकते हैं हम, यहाँ पे -4x² माइनस का x प्लस 1 माइनस 8 इधर जाके प्लस का हो गया, -6x² प्लस का 6x² हो गया, 12x इधर जाके माइनस के इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, -4x² प्लस का 6x² प्लस के कितने हो गए 2x² माइनस एक्स माइनस के 12x माइनस के कितने हो गए 13x 1 + 8 कितना हो गया 9 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक x² है तो ये क्या हो गए हमारे पास, ये द्विघाती समीकरण है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 के पहले क्वेश्चन के लास्ट के 4 पार्ट किए, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।